रिवीजन करने पर भी चीजें क्यों याद नहीं रहती हैं? ठीक है, आपको पता है रिवीजन करने पे चीजें क्यों याद नहीं रहती हैं? मैं 10 बार ये चीज बता चुका हूं, इट्स अ केस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट का सब कुछ केस इंटरेस्ट का होता है, और मैं 10 बार बता चुका हूं। ठीक है, आधा केस इंटरेस्ट का ही होता है कि हमें जिस मूवी में इंटरेस्ट होता है उस मूवी की कहानी आज भी याद है, जो मूवी हमें अच्छी लगती है मतलब जो इंटरेस्टिंग होती है, और जिस मूवी में हमें इंटरेस्ट नहीं होता उस मूवी को आप याद नहीं रख सकते हो। जैसे अगर आपको फिर हेरा फेरी पूछा जाए, हेरा फेरी पूछा जाए, थ्री इडियट्स पूछा जाए, बाहुबली पूछा जाए, तो यू एवरी वन नो कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ठीक है, तो दो तरह, देखो हमारी साइकोलॉजी जो होती है, ह्यूमन ब्रेन की साइकोलॉजी इसी दो चीज पे काम करती है, पहला इंटरेस्ट, दूसरा है लॉ ऑफ रेपिटेशन। सो वेन एवर यू डिस्कस, लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर बिफोर स्टार्टिंग इट। ठीक है, तो जब भी आपको जिंदगी में कुछ करना हो ना, एक कह सकते हैं कि लर्निंग के दो रूल्स हैं, किसी भी चीज को लर्निंग के दो रूल्स हैं। एक जो रूल होता है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ रेपिटेशन। ठीक है, इन दो रूल से ही पूरी कहानी बनती है, लॉ ऑफ इंटरेस्ट एंड लॉ ऑफ रेपिटेशन। जब हमारी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग इसी दो चीज पे काम करती है। अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो आपको बहुत तेजी से याद होगा, कोई भी एक चीज होगी, कोई भी एक चीज, कुछ भी है। जैसे मूवी का मैंने एग्जांपल लिया कि अगर आपको जो मूवी पसंद है, जैसे बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा सभी को वो पता होगा, थ्री इडियट्स में लड़छोड़दास छाछड़ कौन था ये सभी को पता होगा। तो कुछ ऐसे सीन्स, आइकॉनिक सीन्स होते हैं, पैसा ही पैसा होगा वाला सीन, बाबू भैया का, बहुत सारे आइकॉनिक सीन्स याद होंगे। ठीक है, क्यों याद होंगे? आप रोज रोज तो फिर हेरा फेरी नहीं देख रहे हो, रोज रोज थ्री इडियट्स नहीं देख रहे हो, लेकिन वाई इट इज इन योर ब्रेन, वाई इट इज इन योर ब्रेन, बिकॉज बिकॉज उसका इंपैक्ट जो है हमारे ब्रेन पे बहुत ज्यादा पड़ा। ये हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो इंपैक्ट के बेसिस पे, जैसे कोई चीज बहुत दिल पे लग, दिल का मतलब वैसे हार्ट का कोई काम नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है, लेकिन जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, अगर आपको इंटरेस्ट होगा किसी चीज में तो ब्रेन में उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। जैसे सिंपल शब्दों की बात की जाए, अगर आपको दो पर्सन ऐसे टहलते हुए आप खड़े हैं और दो लोग, दो मान लो कि आप एक पुरुष है और दो महिलाएं गए, उसमें से एक महिला में आपको इंटरेस्ट है, मान लो आपकी क्रश है वो, अगर वो आई लव यू बोलती है और एक नॉर्मल कोई और महिला है वो आई लव यू बोलती है, तो जो इंपैक्ट होगा, जिसमें इंटरेस्ट होगा उसकी बातों का बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हम बहुत ध्यान से उसे सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो हमारी जो मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो सबसे बड़ा सवाल है, कितना इंपैक्ट कर रहा है हमारे ब्रेन को, और इंपैक्ट तभी करेगा जब इंटरेस्ट होगा। तो आपकी सबसे, स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है इंटरेस्ट की, कि वो इंटरेस्ट लेता ही नहीं कई चीजों में, उसे पहली तो हर चीज एकदम बुरी लगती है, वो स्टडी को वैसे ही साइड में रखे चलता है कि स्टडी एक बेकार चीज है, इसे हमें मजबूरी में करना है, और 99% स्टूडेंट स्टडी को मजबूरी में ही कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी भी स्टडी को मजबूरी में करोगे तो इंटरेस्ट का तो सवाल ही नहीं आता है, तो इंटरेस्ट जब आएगा ही नहीं तो इंपैक्ट कम होगा, इंपैक्ट कम होगा तो दिमाग में ज्यादा देर तक रिटेन नहीं होगा, फालतू की सब बातें आपको बहुत लंबे समय तक रिटेन होती है क्योंकि आप इंटरेस्ट लेते हो। ठीक है, तो जो मोहल्ले की आंटियां होती है ना, उन्हें सब ऐसे पता होता है। तो ये जो कहानी होती है, ये इंपैक्ट की कहानी होती है और इंटरेस्ट की कहानी होती है। कुछ लोगों में ये इनबिल्ट होता है, उन्हें हर चीजों में इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट लेते हैं, वो लाइफ को जीते हैं, कुछ बहुत बोरिंग या बहुत ही दुखी वो, अब देखो ये इंटरेस्ट वाला जो फैक्टर होता है वो एक चीज से गवर्न नहीं होता, इसमें आपकी पूरी पर्सनालिटी, पूरा बिहेवियर, अपब्रिंगिंग सब कुछ इन्वॉल्व होता है। अब अगर आप सड़े से मूड वाले इंसान हैं ही तो आपको क्या ही किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, अमृत भी ला के रख देगा कोई, साथ सोने का कटोरा भी दे देगा तो भीख ही बैठ के मांगोगे, क्योंकि आपको मजा ही नहीं आ रहा जिंदगी में, आप मजा लेना ही नहीं चाह रहे हो। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय द थिंग्स। इंटरेस्ट तब आता है जब किसी चीज को आप एंजॉय करने की कोशिश करते हो। ठीक है, थोड़ा सा आप एंजॉय करोगे, थोड़ी सी चीजों में खुशियां ढूंढोगे, अरे यार लेट्स एंजॉय द थिंग्स, लेट्स एंजॉय द क्लास। किसी एक दिन आप क्लास में आए और क्लास में सिर्फ एंजॉयमेंट करने के पर्पस से कि चलो यार कुछ एंजॉय करते सीखते हैं, मतलब दैट्स माइंड को थोड़ा फन के तौर पे लेके आओगे, तो आपको अपने आप इंटरेस्टिंग लगेगा, वो चीज रिलेट करोगे। और इंटरेस्ट बनाने के लिए कई बार चीजों को विजुलाइज करना पड़ता है, कई बार चीजों को इमेजिन करना पड़ता है, इंजॉय करना पड़ता है, और इसमें आपकी साइकोलॉजी, ठीक है, इसमें आपकी साइकोलॉजी भी काम करेगी, इसमें आपका बिहेवियर भी काम करेगा, आपकी पर्सनैलिटी भी काम करेगी। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपके इंटरेस्ट को डेवलप करता है। ठीक है, इसलिए इस इंटरेस्ट को बिल्डअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उन बच्चों के लिए जिन्हें इंटरेस्ट कभी आता नहीं किसी चीज में। ठीक है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उन्हें कभी किसी चीज में कुछ भी कह लो, जैसे अभी मैं कुछ लेक्चर दे रहा हूं तो कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि बस करो सर अब नहीं सुनना। ठीक है, कुलदीप भाई कह रहे, तो फॉर एग्जांपल कि अब ये चीज जो है कि कई बच्चों को इसमें भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, यही समझने की कोशिश करो कि उन्हें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, कुछ भी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि जवानी वाले उम्र में सड़े से अंकल वाला बिहेवियर लेके बैठे रहते हैं, एकदम ऐसे कुछ भी खड़ूस टाइप के अंकल टाइप की, कुछ भी बोल लो एकदम ऐसे बैठे रहेंगे, क्या बोल रहे हो, चलो बाहर निकलो, ऐसे वाला काइंड। ठीक है, वो हमेशा ऐसे रहते। तो इंटरेस्ट डेवलप करो, जो कुछ भी सीख रहे हो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो, एक दिन क्लास में आओ और माइंड को ये 4 बार बोल के आओ कि यार आज का क्लास बहुत मजेदार होने वाला है, लेट्स लर्न समथिंग न्यू, अरे यार सर पढ़ाएंगे मजा आएगा, सिर्फ इतना ही बोल के आओ, 4 बार बोल के आओ अपने दिमाग को। देखो हमारा दिमाग बहुत बेवकूफ है, बेवकूफ का मतलब उसे जो इनपुट दोगे, अवर ब्रेन इज लाइक अ हार्ड ड्राइव। ठीक है, उसमें आपको इनपुट खुद डालना है, उसी हिसाब से वो सोचेगा, उसको बोलोगे कि नहीं यार हाँ मजा आएगा यार क्लास में, आज तो मजा आएगा, मजा कर। ठीक है, तो आपको लिटरली सच में क्लास में मजा आएगा। तो ये इंटरेस्ट को डेवलप किया जाता है। अब फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके लिए इंटरेस्ट जो है वो जल्दी डेवलप करना आसान नहीं होता, कुछ तो फटाफट इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं लेकिन कुछ नहीं ढूंढ पाते, तो उनके लिए जो सेकंड चीज होती है वो है लॉ ऑफ रेपिटेशन। ठीक है, और ये ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। ठीक है, ये वो लोग जानते हैं कि देखो भाई मेरे से इंटरेस्ट तो डेवलप नहीं होगा बहुत ज्यादा,
मैं उतना इंपैक्ट तो क्रिएट नहीं कर पाऊंगा ब्रेन पे, इसलिए मैं जितना भी इंपैक्ट क्रिएट कर सकता हूं बार बार करूंगा। जैसे आप कई ऐसे रील्स होते हैं या कई ऐसे मीम्स होते हैं, कई ऐसी चीजें होती है, कई ऐसे वीडियोज होते हैं जिसमें आपको रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं होता है। समटाइम्स सम पीपल्स आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन बिग बॉस लाइक मी, लेकिन स्टिल दे नो द बिग बॉस, दे नो द थीम ऑफ बिग बॉस। व्हाई? बिकॉज बिग बॉस के जो शॉर्ट्स मीम्स और रील्स होते हैं वो इतने ज्यादा हमारे उसमें आते हैं कि हमें देखते देखते पता चल जाता है कि बिग बॉस कितना कचरा शो है, ठीक है, और ये बिग बॉस कितना घटिया शो है। तो हमें कैसे पता चला, जबकि हमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल वी नो दैट द लॉ ऑफ रेपिटेशन विल वर्क। अगर आप ऐसे खड़े हो, डेली आपके सामने से एक बंदा गुजर रहा है, आपको उसका चेहरा पहली बार में याद नहीं होगा, लेकिन अगर वो 10 बार आपके सामने से डेली उसी समय से गुजरेगा तो आपको उसका चेहरा याद हो जाएगा। मुंबई के जो लोकल्स होते हैं उसमें आपको पता होगा कि हर टाइम पे जो है जो कोच होती है ना उसमें अक्सर जाने पहचाने वाले लोग ही होते हैं। कैसे जान पहचान बढ़ जाती है? क्योंकि डेली उसी टाइम पे उसी कोच में ट्रेवल कर रहे होते हैं। आपके ब्रेन में अगर कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं है, कितनी भी बकवास क्यों ना हो, जैसे कि आपके लिए स्टडी कितनी भी बकवास क्यों ना हो, अगर उसको रिपीट किया जाए बार 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 बार, जस्ट रिपीट किया जाए, इसी रिपीटेशन का जो कॉन्सेप्ट है रिकॉलिंग कॉन्सेप्ट, रिवीजन कॉन्सेप्ट, आप इसी को रिवीजन नाम सुना होगा, वो भी इसी का भाई है, रिकॉलिंग नाम सुना होगा, वो भी इसी का भाई है। तो अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं या रिवीजन करते हैं, क्या करते हैं, उसको रिपीट ही तो करवाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे अगर आपको कोई एक मूवी याद नहीं हो, लेकिन अभी शायद आप याद कर भी नहीं पाए, लेकिन मैंने अगर सिर्फ उसका नाम लिया, रिकॉल कर लूंगा, तो फिर आपको वो दिमाग में याद आ जाएगा। जैसे सिंपल सी बात किया जाए, एक सिंगर थे हिमेश रेशमिया, गाना सुना होगा झलक दिखला जा एक बार आजा, वंस अपॉन अ टाइम, ये बहुत फेमस था। अभी शायद किसी के दिमाग में ये नहीं रहा होगा मेरे बोलने से पहले, लेकिन जैसे मैंने ये बोला सभी लोग उस गाने को रिकॉल कर लिए होंगे, फटाफट दिमाग उसे प्रोसेस कर लिया। अब एक कुछ दिनों तक ये झलक दिखला जा चल रहेगा, मतलब फिर कुछ दिनों बाद रिकॉल कर लोगे, फिर कई बार कर लोगे तो ये हो जाएगा। इसे बोलते हैं रिकॉलिंग, उसे रिकॉल करना, दोबारा बुलाना, जैसे मैंने अभी बुलाया। दैट्स द केस ऑफ लॉ ऑफ रेपिटेशन। और यही आपको करना होता है, यही आपको करना होता है जब आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं, पर्सनालिटी नहीं है, तो आप किसी चीज को अगेन एंड अगेन करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक कि आप उससे एकदम यूज टू ना हो जाए, ठीक है, वो दिमाग में फिट ना हो जाए। और किसी के लिए 2 बार में होता है, किसी के लिए 10 बार में होता है, क्योंकि सबकी पर्सनालिटी अलग होती है। लॉ ऑफ रेपिटेशन एक सबसे खतरनाक चीज है जो किसी बनी हुई चीज को बिगाड़ सकता है और बिगाड़ी हुई चीज को बना भी सकता है। इसी लॉ ऑफ रेपिटेशन का लोग यूज करता है सोशल मीडिया पे। आजकल लोग अंधभक्त क्यों बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं है फिर भी, क्योंकि लॉ ऑफ रेपिटेशन, उन्हें बार बार यही चीज दिखाई जाती है। पूरी ब्रेन की साइकोलॉजी कैसे डेवलप होगी, क्योंकि उनको यही दिखाया जाता है कि भाई सब चंगा सी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन 100 रुपए का 200 रुपए का पेट्रोल होगा तो भी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सब चंगा सी नजर आ रहा है। कोई फॉरेन में जाके नहीं देख रहा है कि फॉरेन में क्या हो रखा है, कितनी इंडिया की इज्जत नहीं इज्जत हो रही है, लेकिन हाँ, क्योंकि हमारा जो न्यूज चैनल्स है वो हमें इस तरीके से चीजों को दिखा रहा है कि हमें ऐसा बार बार एक ही चीज को, तो हमें ये यकीन हो जाता है कि ऐसा ही हो रहा है। आपको जब भी बार बार एक ही चीज बोली जाएगी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर किसी गलत चीज को भी रोज रोज बोला जाएगा तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग में सही लगने लगेगा। उसका एक बहुत खतरनाक एग्जांपल है लड़कियों को इंटरनली वीक फील होना, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं होती फिजिकली, क्योंकि उन्हें बचपन से ही बोला जाता है कि तुम बेटों से कमजोर हो, तुम लड़कों से कमजोर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि उनकी बोन डेंसिटी और चीजें अलग है, लेकिन ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा खेल। तो जो इस साइकोलॉजी को समझ जाएगा, लॉ ऑफ इंटरेस्ट या लॉ ऑफ रेपिटेशन, आइदर इंटरेस्ट डेवलप करो या तो रेपिटेशन पे जाओ, और यही 2 साइकोलॉजी है किसी भी चीज में मास्टर हासिल करने के लिए। लेकिन अगर इसे अप्लाई करोगे तब, बैठ के खाली खिचड़ी करते रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, फिर रोते रहोगे खाली कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, फलाना नहीं होता है, ढिंकाना नहीं होता।